वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं कई दिनों से ट्राई कर रहा था यहाँ आने के लिए और बोटिंग करने के लिए, और सुराह ताल में नाव का सफ़र कई दिनों से देख रहे थे हम लोग सोशल मीडिया पे। हमारा भी मन था बट डेली आते थे 3:30 बजे और बोटिंग बंद हो जाती थी। और यहाँ पे एक और प्रॉब्लम यह है कि अगर आप अकेले आते हैं तो आपको नहीं आने देंगे, क्योंकि एक नाव में, एक बोट में कम से कम 3 लोग बैठेंगे और कम से कम 2 लोग, तो आप अकेले नहीं आ सकते हैं। किसी को साथ में लेके आइए, नहीं तो रड़ुआ रहेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं कम से कम आधा से 1 घंटा वेट किया तब ये 2 भाई मिले। एक ये भाई साहब हैं और एक ये भाई साहब है। हाय कर दीजिए। हेलो, क्या नाम है आपका? रोहन। आपका? मेरा नाम ऋषि है। ऋषि जी हैं जो उधर बैठे हैं और हम लोग इधर हैं, और एक वो भैया हैं जो अभी शायद किसी से बातें कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, आपको भी अच्छा लग रहा है ना? जी, काफ़ी मज़ा आ रहा है और बहुत ही अच्छी शुरुआत है। पर्यटन की नई युग की शुरुआत है हमारे बलिया में, और काफ़ी अच्छा है सुराह ताल। बहुत पहले इसका विकास हो जाना चाहिए था, बट हमारी गवर्नमेंट ऐसी है कि बहुत लेट से हुआ, लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब आप लोग भी इंजॉय करिए और देखिए कैसा लगता है। फैमिली के साथ आ सकते हैं। तो 25 दिसंबर को भी आया था, वो भी वीडियो दिखाया। पक्षी महोत्सव था सुराह ताल का, उस दिन का भी आपको वीडियो दिखाया। और अब ये आज है 27 दिसंबर। 1 जनवरी को आइए अपने पूरी फैमिली के साथ, एंजॉय करिए, काफ़ी अच्छा लगेगा यहाँ पे। भाई लोग आ रहे हैं, बोटिंग खत्म हुई। काफ़ी अच्छा लगा, अच्छा लगा भैया से मिलके, बहुत ही बढ़िया लगा। काफ़ी अच्छा ये भी मोमेंट था हम लोग साथ, भैया के साथ मिलकर अच्छा लगा हम लोगों को भी। आप भी लोग इंजॉय करिएगा, ये आइए इंजॉय करिए बलिया में, काफ़ी अच्छा जगह है। वैसे बलिया में कुछ था नहीं, बट एक नई शुरुआत हुई है जो काफ़ी अच्छी लग रही है, तो आप लोग आइए यहाँ पर इंजॉय करिए। बैठने के लिए चेयर्स भी बने हुए हैं, तो आप आ सकते हैं यहाँ पर बैठ के, ठंडी हवा का, फ्रेश हवा का एक इंजॉय भी ले सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा दूर भी नहीं है, 7 किलोमीटर है बलिया से, तो यहाँ आ सकते हैं। चेयर्स बनी हुई है, जरूर आइए और यहाँ इंजॉय करिए, काफ़ी अच्छा लगेगा। आप लोग देख सकते हैं बगल में झील है, और ये काफ़ी बड़ी झील है, खूब ठंडी ठंडी हवा चल रही है, काफ़ी मज़ा आ रहा है। आप देख सकते हैं पीछे इतना सुंदर नज़ारा है। उधर एक नाव है जो डूबी हुई है, उसमें पानी भरा हुआ है, हमें लग रहता था, लेकिन काफ़ी सफाई हुई है और इसकी भी सफाई हुई है, और आगे और भी सफाई होगी। उम्मीद करते हैं आप लोग आएंगे, आप लोग आएंगे तभी जाके बलिया का विकास होगा, और लोग समझेंगे जो बोटिंग करने वाले, उनकी भी 2 पैसे की कमाई होगी। यहाँ पे अनेकों उस साइड में दुकानें लगी हुई हैं, उन दुकानों का भी कुछ ना कुछ उन लोग को रोज़गार मिला है जो दुकानदार हैं, वो लोग अपना धंधा चला रहे हैं। तो आप आएँगे तभी जाके इन सब चीज़ों को बढ़ावा मिलेगा, और बढ़ावा मिलेगा तो और ज़्यादा यहाँ पे पर्यटन की शुरुआत होगी, और यह एक काफ़ी अच्छा पहल है।